अच्छा इधर है हमारे सिस्टर माता जी के रोल निभा रही है। हेलो इधर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में आप सभी का ढेर सारा प्यार उसके दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, जो कि हमारा कंटिन्यूस दीपावली की 3 एपिसोड थी। और प्रीवियस में दवाई दूज हमारा खत्म होने के बाद आज कॉलेज पे आया हूँ। और इसी महीने के एंड में हम लोग का अनंत थिएटर क्लब फर्स्ट जो कि हमारा इनोग्रेशन प्रोग्राम है 30 को हमारा इस कॉलेज में 9 DVC में उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। और थोड़ा बहुत हम लोग देखने के लिए आए हैं और इधर सब लोग रेडी हो चुके हैं अपने पोजिशन पर। और इधर है और यहाँ हमारा रील्स वाले टीम है, यहाँ शायद रील्स का प्रैक्टिस चल रहा है शायद मुझे लगता है। और इधर हमारा कृष्णा, हेलो ब्रदर। और इधर भी कृष्णा कार्की और इधर ब्रदर। और आपको मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि आपने जो गाना गाया ना, कभी कभी जब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो उस गाना को सुन के ना एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सी एनर्जी आता है। उसके लिए यार दिल से थैंक यू सो मच। और 2K के लिए ना समथिंग कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा मुझे उम्मीद है। और इसमें इस कौन सी ड्रामा टीम में हो? सेकेंड ड्रामा टीम बी में हो। अच्छा, और कैसे हो? एकदम मस्त हो? एकदम मस्त। बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ इनके साथ। और प्रीवियस के बहुत सारे कॉलेज के ब्लॉग में भी इनको मिस किए होंगे, इनको नहीं देखे होंगे तो इनको इनको देखे होंगे। और 2K में हमारे लिए कुछ स्पेशल करने वाले हो? नेपाली में। क्या क्या? नेपाली में कुछ आएगा? हाँ नेपाली में करो यार, कुछ उसमें अलग से वाइब्स आते हैं ना एकदम। क्यों? और आपको मिलाते हैं सब अनंत थिएटर क्लब के जितने भी मेंबर है और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इधर भी सब ब्रदर है, उनसे भी मिलाते हैं। और ये सब अनंत के है ना मेंबर? हाँ मिलाते सबको। हेलो हेलो इधर हेलो लो इधर है सब अनंत थिएटर क्लब के मेंबर है ना। आपका नाम अमीशा नेपाल और आपका रोजनी रोजी इधर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर। हेलो इधर नाम तेंजिंग। अच्छा तेंजिंग। इधर आयुष। आयुषी। आयुष। इधर सुष्मिता। सुष्मिता अतादुम कॉलेज के। ओके ओके। हाँ और इधर हमारा मेन बॉयज लोग है। और इधर ब्रदर कैसे हो? एकदम मस्त, एकदम 30 को मचाना है, धूम मचाना है यहाँ एकदम। इनोग्रेशन में फर्स्ट टाइम कॉलेज के एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहे हैं ना। इधर हमारा गुंडा प्रनील लिंबू इसकी शक्ल देखो एकदम, इनके इमोशन झलकता है इनके चेहरे पे। और इधर हमारा बहुत ही टैलेंटेड हमारा ब्रदर। और आपको कैसा महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस बताइए कुछ। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कॉलेज में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था अभी तक। अभी थिएटर ग्रुप खोलने वाला है। हाँ। नवंबर को। हाँ। उसके लिए एक्साइटेड हूँ। एक्टिंग में पहले से इंटरेस्ट था, अभी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और 30 को बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ आप सभी लोग का परफॉर्मेंस देखने के लिए। और इधर हमारा रील्स की टीम में, और इधर भी हमारा रील्स की टीम में। और अभी इन लोगों का थोड़ा बहुत ड्रामा देखते हैं फिर आपसे मिलाते हैं। लेट्स गो गाइस। बस यहाँ पे थोड़ा अभी स्क्रिप्टेड ड्रामा प्रैक्टिस हो रहा है। और ये हमारा गुंडा प्रनील लिंबू गुंडा का रोल निभा रहे हैं। और ये दोनों बाउंसर है क्या उनके, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ना? और वो सब गर्ल्स से सब पार्टी के लिए है और क्लब में मिले समथिंग कुछ इस तरह का सीन है। इधर हमारा डायरेक्शन दिया जा रहा है। और इस ड्रामा के थ्रू कुछ मैसेज है हमारा सोसाइटी को। और बेसिकली हमारा इस ड्रामा का मेन टॉपिक क्या है? नदी आउँछ हैन जुस टिप्छौ त्यहाँ जुसमा ड्रग्स मिसाउँछ अन्त उसलाई अफर गर्छ कोबियस हुँदैन अनकन्सियस मात्रै हुन्छ ल एक्सन छिटो औ तिमी त्यसरी हिँड्छौ एक्सक्युज मी उयो टपिक के हो ड्रामाको? हजुर ह्युमन ट्राफिकिङ सेक्स ट्राफिकिङ अन्त के थियो टोटल हमारे यहाँ जितने भी थिएटर क्लब है उसमें से कितना ड्रामा हो रहा है? कितना ड्रामा हो रहा है हमारे कॉलेज में?
मुझे लगता है रील्स के लिए हो रहा था, लेकिन सॉरी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ अभी फ्रेशर्स पार्टी होने हैं कॉलेज के, तो उसके प्रैक्टिसिंग चल रहे हैं और यहाँ हमारा ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो चुका है और इधर है हमारा और एक टीम, शायद मुझे लगता है ये भी फ्रेशर्स के लिए है और यहाँ अभी हम लोग को थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट बता रहे हैं। कृष्णा तुम्हारा रोल कहाँ है? तुम्हारा रोल कहाँ है? रोल हम खा गए रे। तुम्हारा क्या रोल है? 50 रुपए में रोल खा गए रे। कृष्णा का रोल बहुत खतरनाक है। पिताजी का रोल है? माताजी कौन है? माताजी ये है। अच्छा इधर है, हमारे सिस्टर माताजी के रोल निभा रहे हैं ये। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि किस तरह से रोल होता है। वो मेरी बेटी। कौन? जिसके साथ फ्लोटिंग हो रहा है? वो आपकी बेटी है। चलो फिर सेकंड राउंड के लिए रेडी हो रहे हैं सब लोग। ये तो आज नहीं दान है। वो दादा स्कॉर्पियो की नहीं, दादा हम सब दादा तो नहीं है तो वही अंडरग्राउंड को डोंट दा हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे, कंटिन्यूस मैं ब्लॉग करता जा रहा हूँ और आपने प्रीवियस के इससे पहले मतलब इसी ब्लॉग में देखे होंगे थोड़ा बहुत, इनोग्रेशन की प्रैक्टिस चल रही है। आज है 28 नवंबर और 30 को है हमारा, तो उसके भी आपको फुल ब्लॉग पूरे डिटेलिंग में देखने को मिलेगा। अभी सुबह सुबह मैं अपना यहाँ से भी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बस रहे सुबह के 5। और इस समय ऐसा हो रहा है ना ठंडी सीजन में यार, सुबह तो क्या बताए, 5:30 बजने के बाद भी मौसम क्लियर नहीं होता है। देख सकते हैं सुबह का इस तरह का सीन है। अभी मून भी है। फिलहाल मैं अपने मणिपाल एरिया पे हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह का रास्ता है मेन हाईवे। और अभी मैं और विशाल जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए SMU मणिपाल यूनिवर्सिटी में। तो सुबह सुबह हम लोग इसी तरह 5 बजे से 6-7 बजे तक वहीं प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत। फिजिकली अच्छा लगता है ना सुबह सुबह, जिस गेम को आपको खेलने में मज़ा आता है ना, उसके लिए आप तो इतना सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं सुबह को, इतना मीठा नींद। और थोड़ा बहुत हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और इधर हमारा फाइनली विशाल बुबू जा रहे। विशाल, यस विशाल, हाईली एक्साइटेड? क्यों इतना उठ के आना पड़ता है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? कोर्ट जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। वो भी बढ़िया है, इतना डेडिकेशन चाहिए यार आप किसी भी गेम खेलते हो। तो मिलते हैं आप सबसे सीधा प्रैक्टिस पे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो के दो। ये नहीं करना था ब्रदर, सीधा लेट्स गो कहना था। और फाइनली गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मणिपाल के इंस्टीट्यूट पे। यहाँ से सुबह का व्यू इस तरह से प्यारा से दिखता है। ये हमारा मेन MBBS की क्लासेस यहीं चलते हैं और उस तरफ आपको जो दिखाई दे रहे वो है हमारा हॉस्टल। और यहाँ पे शायद मुझे लगता है कुछ प्रोग्राम है आज सन फार्मा का। और अभी विशाल ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके हैं। आज लगता है हम लोग 3 लोग ही होंगे, तो थोड़ा प्यारिंग नहीं हो पाएगा, सिंगल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ से मेन एंट्रेंस कुछ इस तरह का है। और फिलहाल अभी हम लोग अपने कोर्ट पर पहुंच चुके हैं और सुबह की यहाँ से व्यू ना बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह का व्यू है, चारों तरफ बिल्डिंग्स है और यहाँ से स्काई भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। और यहाँ विशाल अभी अपना जूता पहन रहे। पहला कोर्ट वो है कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 ये। और लास्ट टाइम भी ये इतना अच्छा से बना हुआ नहीं था। अभी हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करते हैं और अभी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ आज प्रोग्राम भी है तो हमें ज़्यादा खेलने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 आवर ही हम का प्रैक्टिस हो पाएगा, तो थोड़ा बहुत आपके साथ प्रैक्टिस भी शेयर करने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो लेट्स गो गाइस। और फाइनली गाइस, सुबह सुबह का पसीना चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ना यार इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना सिंगल्स में। हमारा भी फिलहाल विशाल और इधर हमारा ब्रदर खेल रहे सिंगल्स में, क्योंकि हमारा आज एक पार्टनर नहीं आया है ना। विशाल की ओर से एक स्मैश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये चलो विशाल, चलो 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 विशाल, या चलो विशाल, अवे 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 अभी चला गया।
थोड़ा बहुत अभी और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट टाइम भी होने वाले हैं, 7 बजे तक हम खेलते हैं ना, तभी तक अलाउ रहता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें जाना है कॉलेज, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, फिर एक बार कह रहा हूँ, आज हमारा फर्स्ट टाइम सिक्किम वाले पे इस